सब्सक्राइब करिए कमलनंदन मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे कमलनंदन मैकेनिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर। सेकंड प्लांट है जो अभी नया प्लांट असेंबल कर रहे हैं, ये हमने अभी जनरेटर को यहाँ पर असेंबल किया है, देन अपना ये वाटर टैंक बनाया है जिसमें वाटर पानी होगा और इस पानी को हम आराम से फिट कर सकते हैं प्लांट के लिए। और ये हमने अपना क्रॉस ग्रीन हपर का 4x4 हपर का असेंबल यहाँ पे किया है, हमने असेंबल कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे अपना गैदरिंग बेल्ट लगा हुआ है जो कि क्या करता है, अपने एग्रीगेट को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करके आगे एक यहाँ और गैदरिंग बेल्ट लगेगा, दो जा करके अपना उस आरएमसी प्लांट में देन इंटर होगा। आपको दिखाते हैं, देखो इसमें ये अपना ये लगा हुआ है, चार सिलेंडर लगे हुए हैं, ये अपना एग्रीगेट गेट है जो अपना एयर प्रेशर के थ्रू गेट को ओपन और क्लोज करता है। आप लोग देखिए प्रत्येक बिन में इस तरह से चार सिलेंडर लगे हुए हैं जो कि एयर प्रेशर के थ्रू गेट को ओपन और क्लोज करते हैं जैसे हम इसको कमांड देते हैं। ये हमने इतना फिट कर लिया है, आगे आपको दिखाते हैं। ये अपना डिस्चार्ज रोलर है और ये अपना डिस्चार्ज रोलर के ऊपर अपना एक मोटर लगा हुआ है, मोटर नीचे गेयरबॉक्स लगा हुआ है जियो गेयरबॉक्स के कारण ही अपना मोटर गेयरबॉक्स को रोटेट करता है और गियर अपना इसको रोटेट करता है जिससे अपना डिस्चार्ज रोलर पर घूमता है और देन कन्वेयर मूव करता है। कन्वेयर जब मूव करता है तो जियो एग्रीगेट अपना गेट से गिरते रहते हैं, ये आगे जा करके उसमें ट्रांसफ़र होते हैं अपना आरएमसी प्लांट मिक्सर में। आइए आपको दिखाते हैं, इसको और साइड दिखाते हैं। ये भी कुछ रोलर बचा हुआ है जो कि डिस्चार्ज रोलर के बाद से अपना वो कंक्रीट मिक्सर में फिट होगा, अभी वो इतना बाकी आ गया है, आपको दिखा देते हैं। ये अपना यहाँ पे ब्रेकर मोटर लगाना बाकी है, ये चार पॉइंट हैं, यहाँ पे अपना ब्रेकर लगता है जिससे बाई चांस कभी ऐसा होता है कि अपना एग्रीगेट जाम हो गया है तो देन हम ब्रेकर का कमांड देते हैं और ब्रेक होता है, देन वो अपना वहाँ जो अंदर जाम होता है टूट जाते हैं और एग्रीगेट बेल्ट पे गिर जाते हैं नीचे। ये देख सकते हो आप लोग अपना कन्वेयर है, इन कन्वेयर के बीच में अपना एग्रीगेट गिरते रहते हैं। ये एक डिस्चार्ज मोटर इसमें भी लगा हुआ है, डिस्चार्ज गियर लगा हुआ है, ये रोलर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे हम, आगे आप दिखाएंगे लगा करके उस मिक्सर में। ये अपना एक एयर कंप्रेसर है जो कि पूरे प्लांट में एयर का सप्लाई यहाँ से होता है, किसको कितना एयर चाहिए वो हमारे अंदर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। एयर कंप्रेसर की मोटर है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये अपना एयर कंप्रेसर मोटर यहाँ फिट हो चुका है। ये अपना केबिन का एसी है, ये अपना केबिन है, आपको आगे बाद दिखा। अपना पैनल बोर्ड है, ये भी हमने अपना पैनल बोर्ड बाहर भी सेट नहीं किया है, 3 फेस पैनल बोर्ड बाद में सेट करते रहते हैं। ये अपना ये एम्पियर, इतने एम्पियर का ये बोर्ड है, ये आप देख सकते हो इतना बोल्ट है। देखो मैंने आपको बताया था ये अपना स्टैंड है, ये स्टैंड हमने फिट कर दिया, दो स्टैंड, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर के अपना पान मिक्सर सेट हुआ है, आपको आगे दिखाते हैं। और ये अपना स्टैंड पे ही अपना एक मोटर लगा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे मोटर हमने किस लिए लगाया हुआ है, चलो आपको बताते हैं। ये मोटर क्या है, अपना एड मिक्सर को मोटर के थ्रू अपना कंक्रीट मिक्सर में डालता है ताकि अपना वो आगे की प्रक्रिया होती रहे। तो ये अपना सीमेंट हपर है, सीमेंट हपर के नीचे एक मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ एक गेयरबॉक्स लगा हुआ है। अरे सीमेंट हपर में क्या होता है, हम यहाँ सेलो नहीं लगाया हुआ है, कहीं कहीं प्लांट में सेलो लगते हैं, कहीं कहीं में सेलो, हमारा छोटा प्लांट है ये, इसमें हम सीमेंट सेलो नहीं लगाते हैं, इसमें डायरेक्ट अपना लेबर अपना बोदी काट काट के इसमें डालता रहेगा सीमेंट इसके अंदर, और देन मोटर यहाँ से सीमेंट को अपने ये इसको कन्वेयर के थ्रू आराम से सीमेंट के ऊपर फिट करता रहेगा उस पान मिक्सर में। अपना सीमेंट टैंक है, ये अपना वाटर टैंक है, आप ठीक है। आइए आपको ऊपर चल के दिखाते हैं और आगे कार्यक्रम। देखो दोस्तों, ये हमने जो आपको सीढ़ी दिखाई थी, इस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ेंगे, अब आराम से सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके अब पान मिक्सर के पास चलते हैं, आगे दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये इसके पास वायरिंग हुई पड़ा हुआ है, एक स्टैंड है, दूसरा स्टैंड वो पड़ा हुआ, वो स्टैंड लगाने के बाद वो गैदरिंग बेल्ट का इसमें लगाएगा, उससे कनेक्ट होकर के और यहाँ पे सीमेंट अपना फिट होगा, आपको आगे दिखाएंगे, अभी फिट नहीं हुआ है। ये अपना मिक्सर है जो आपको दिखाया था, यहाँ पे जब अपना इंसर्ट होता है एग्रीगेट देन ये मिक्स होता है, मिक्स डिजाइन होने के बाद ये अपना डिस्चार्ज हपर है जो आपको दिखाया था, इस डिस्चार्ज हपर से कॉन्क्रीट नीचे अपना TM में या फिर एक्सावेटर जिसमें अपना डालना होगा वो डाल लेते हैं। फिर का मोटर है जो अपना ब्रेकर का काम करता है
जब सीमेंट इसमें जाम हो जाता है तो ये काम करते हैं हम। आपको दिखाते हैं, ये अपना मेन गेट है उसका, जिसका अपना चिपिंग करते हैं। बाई चांस अगर कंक्रीट जाम हो जाता है तो हम इसको मिक्सिंग डिजाइन खोलते हैं, यहाँ से लेबर छोड़ देती है। ये आपको मैंने दिखाया अपना हाइड्रोलिक टैंक, हाइड्रोलिक टैंक के अपना वो दोनों पाइप हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक इनलेट और एक आउटलेट। ये जा करके अपना ये गेट में सिलेंडर लगा हुआ है, अपना सिलेंडर हाइड्रोलिक वर्क करता है, तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर अपना जब मिक्स डिजाइन हो जाता है तो सिलेंडर कमांड देते हैं, गेट खुल जाता है और मटेरियल इस गेट के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये अपना एयर कनेक्शन है सर। ये अपना मोटर है, ये मोटर है, मोटर नीचे अपना ये मिक्सर गियर है, इसी गियर के ऊपर ही फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।